बचपन में चल चल के आती थी। ये सीन तो बिल्कुल नहीं कटेगा अंशु, कल पापा देख लेंगे। फ्रेंड है ना, दोस्त है ना, हाँ लड्डू और ये दोस्त है दोनों, क्योंकि दोनों लड्डू जैसे है। हंस के दिखा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी आप पहाड़न में, तो ये अपना है खूबसूरत सा ताजमहल, क्योंकि हमें अपना घर बहुत ही प्यारा है, तो इसका इसे हम बोलते हैं ताजमहल। तो ये है मेरा, ये है मेरा प्यारा सा बेटा, और जहाँ हम रहते हैं शीश महल। हाँ, महल में रहते हैं हम लोग ना अंशु। तो मैं और अंशु अभी जा रहे हैं, अंशु को ट्यूशन छोड़ा, देखो मेरा बैग, मैं स्कूल जा रही हूँ ना अंशु। मैं जा रही हूँ स्कूल, ये मुझे छोड़ने जा रहा है। तो मैं और अंशु को ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ, और उसके बाद वहीं से मेरी पहले मम्मी के घर जाएंगे हम लोग, मतलब कि अंशु की नानी के घर और मेरी मम्मी के घर। तो चलते हैं आगे। अंशु लो पकड़ो, देखो मम्मा स्कूल जा रही है बैग टांग के। मम्मा को देखो, बच्चे तो पढ़ नहीं रहे, माँ बाप को पढ़ना पड़ेगा। और ये काना जी टोकरी में, काना जी टोकरी में सोए हुए आराम से उनको बिठा ले। चलो, अरे उनके मैं लड्डू और अंशु तीनों जा रहे हैं नानी के घर, तो चलते हैं अभी। ये हमारी देखो नीलू परी, ये हमारी नीली परी है नीलू। तो नीलू हो चुकी है पूरी गीली, नीली हो चुकी है पूरी गीली। तो मैं नीली को साफ करती हूँ और फिर हम चलते हैं आगे। चाबी लाना तो नहीं भूल गई अंशु की? मैं चाबी लाना। तो फाइनली हमने अपना नीली परी में जाना पोस्टपोन कर दिया है, अब हम लोग जा रहे हैं पैदल यात्रा कर रहे हैं हम लोग। और आज तक पता नहीं कैसे आऊंगी मैं, जा तक अंशु को छोड़ दूंगी, आज तक मुझे अकेला आना पड़ेगा। तो अंशु लोग जा रहे हैं, ये हमारी कॉलोनी है बहुत सुंदर सी, इसमें हम दोनों माँ बेटे घूम रहे हैं मस्त तरीके से। बचपन में जब मैं छोटी थी ना अंशु, तो पता मैं यहाँ से कैसे जाती थी? कैसे पता है? अरे हाँ, लोगों को तो बताया नहीं मैंने, ये जो कॉलोनी है ये मैं यहीं पर पैदा हुई हूँ, यहीं पर मैं बड़ी हुई, यहीं पर मेरी शादी हो गई, यहीं पर मेरा बेटा हो गया। तो मतलब फाइनली सब कुछ यहीं कॉलोनी में है मेरा, ये मतलब मैं इसी कॉलोनी में पैदा हुई हूँ और इसी कॉलोनी में बड़ी हुई हूँ, और इसी कॉलोनी में मेरी शादी हो गई, और इसी कॉलोनी में देखो मेरा इतना खूब बड़ा सा बेटा भी हो गया। तो बचपन में हम लोग यहाँ से जाते थे ना, पता कैसे जाते थे बताऊँ? ऐसे ऐसे उछलते हुए, तू दिखा जाके। हाँ ये अब देखो मेरा बेटा ऐसे जा रहा है, पहले मैं जाया करती थी ऐसे। यहाँ पर सब लोग बोलते थे अरे देखो आवाज़ आ रही बाहर से पैरों की, तो पक्का ये आई होगी। दिखाया? तो अब ये गली से हम अंदर को मुड़ जाएंगे, मेरी मम्मी का घर आ जाएगा थोड़ी दूर पे, थोड़ा सा ये ज़्यादा दूर नहीं है। एक्चुअली हमारी शादी कुछ वहीं पे हुई है कॉलोनी, कॉलोनी में। मैं दादी को मैं बचपन से जानती हूँ, जब हम बहुत छोटे छोटे थे तब से हमारा साथ है। और ये देखो मेरा बेटा अंशु, अंशु की नानी के घर कहाँ पर है? लेफ्ट। ये देखो अंशु कितना छकता तुझे नानी के घर में, बहुत। ये तो रोज नानी के घर ही पहुँचा रहता है, कोई ऐसा दिन है जिस दिन तू नहीं आता है यहाँ? बता कौन सा जिस दिन तू कहीं बाहर होता है, बाहर होता है तभी नहीं आता है, वरना तो डेली आ जाता है। हम मैं कभी कभी नहीं भी आती हूँ, बट ये तो रोज आता है ना, ये और लड्डू गोपाल रोज आते हैं। तो अभी दिखाते हैं आपको नानी का घर, कभी कभी नहीं आता। हाँ लेकिन मोस्टली आती है। अंशु घड़ी हाथ में पहनने के लिए होती है, लटका के लिए जाने के लिए नहीं। आज इसके पापा जी कहाँ गए हैं बताओ? बताओ स्वामी जी कहाँ गए हैं आज? रुद्रपुर। आज वो गए हैं रुद्रपुर किसी काम से अपने जॉब के। तो मैं और अंशु अकेले हैं आज घर पे, तो हम लोग आज मम्मी के घर में ही खाना खाएंगे अंशु। फिर हम लोग वापस जाएंगे, शाम को रुकेंगे नहीं मम्मी के घर, वहीं जाएंगे अपने घर, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर बताना हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो अंशु दिखा कैसे चलते थे बचपन में ऐसे उछलते हुए? मैं तो उछल भी नहीं पा रही हूँ। अंशु मैं चल के दिखाऊँ? ऐसे बचपन में उछल उछल के आती थी। और आज फिर से मैं बचपन की यादें ताज़ा कर दी, वो भी अपने बच्चे के साथ। देखो मेरा घर, ये मेरे भैया की गाड़ी, और ये है मेरा घर। तो हम चलते हैं अंदर। भाई नहीं मेरा निर्मल, पर तुम्हें छोटा है ना भाई। देखो हम दरवाजे में खिड़की खोल लेते हैं लिए।
एक्सपीरियंस है पूरा। लेकिन आप लोग आके से मत खोलना। ये देखो दुकान है मेरे पापा की, यहाँ पर आपको सारा सामान मिलेगा, बिस्किट, टॉफी, नमकीन, जो भी चाहिए। जो नहीं मिलेगा वो बता रहा हूँ। शुगर नहीं मिलेगी, मतलब बाकी बहुत सी चीजें मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। चले क्या दुकान की वो कर रहा है पपी से? आटा चुप करो, चलो ऊपर। उत्कर्ष, उत्कर्ष ये मेरे भैया का बेटा है, प्यारा प्यारा चूहा जैसा, गोलू मोलू सा। ये कौन है? ये है कौन है बताओ, नाम बताओ अपना। हर्षाली। ओ माय गॉड, ये है हर्षाली नेगी, ये है उत्कर्ष। उत्कर्ष कहाँ है बताओ, उत्कर्ष कहाँ है? ये देखो बता दिया। अब मम्मा कहाँ है? मम्मा वो है इसकी मम्मा, बता रहा देखो मम्मा ये है। और बुआ कहाँ है? बुआ ये। अरे वाह मुझे बता रहा है बुआ, मेरा प्यारा क्यूटी पाई है ये, सबको जान। गोपाल कहाँ है? लड्डू को प्यार कर दो, जाओ दूर से प्यार कर दो। अच्छी अच्छी, बाबा तो बहुत ही प्यार करता है लड्डू को। वाह लड्डू, क्या दे रहा, क्या दे रहा लड्डू को? यहाँ रखू लड्डू को? कह रहा वहां रख दो नहीं तो मैं गिरा दूंगा लड्डू को ना। लड्डू के साथ खेलता है, लड्डू गोपाल के साथ। लड्डू आपका फ्रेंड है ना, दोस्त है ना? हाँ लड्डू और ये दोस्त है दोनों, क्योंकि दोनों लड्डू जैसे है। हंस के दिखाओ उत्कर्ष, हंसी हंसी। हाँ हंसे देख, हाँ लड्डू है, प्यार कर दे। आहा लड्डू को प्यार कर दिया। बच बच, कहाँ रख रहा है? क्रीम पड़ रहा घिसल के, ऐसे कर, क्रीम पड़ रहा घिसल की लेनी मेरी निर्मला, मेरी निर्मला, क्रीम पड़ रहा घिसल की लेनी। तो फ्रेंड्स शाम हो चुकी है, खाना वाना खा के हम मम्मी के घर से वापस रिटर्न हो चुके हैं, और आज मेहरा जी रुद्रपुर गए हैं तो वो कल मॉर्निंग में आएंगे। तो आज मैं और अंशु हैं घर में। अंशु तो देखो, अंशु का तो बेचारा था टुक के विकेट भी गिर गया, वो सो गया है। तो मैं भी अभी सोती हूँ, और चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, लाइक करके बताना मेरा चैनल आपको कैसा लगता है, बेल आइकन दबा देना ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मैंने आज आपको अपनी मम्मी का घर दिखाया, और वहाँ हमने खूब सारी मस्ती करी, खाना वाना खाया, और उसके बाद मैं विशाल मेगावाट गई मेरी एक फ्रेंड के साथ, उसको कुछ घर का सामान खरीदना था तो वहाँ गई। वहाँ का मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी बैटरी जो थी फ़ोन की वो लो हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैंने घर में आकर चार्ज किया फ़ोन, और हम दोनों घर आ चुके हैं। अभी हम दोनों माँ बेटे फ़ोन में लगे हुए थे, अगर मेहरा जी होते तो अभी तक हमारा फ़ोन रखवा के हमें सुला चुके होते, सोने को बोल दिया होता, बट वो घर में नहीं है तो इसका हम दोनों ने फ़ायदा उठाया, और हम काफ़ी देर तक फ़ोन में लगे रहे हैं ना अंशु। अंशु तो अभी भी लगा हुआ है, देखो पापा को पता चलेगा ना, वीडियो देखेंगे वो भी, फिर पता चल। क्या ये सीन तो बिल्कुल नहीं कटेगा अंशु, कल पापा देख लेंगे कि अंशु ने कितने देर फोन में खेला। तो फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं ऐसे ही नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अंशु बोलो। अंशु तुम्हें इतने काले काले आ रहे ना, लाइट नहीं आ रही शायद ना, शायद रात हो गई ना इसलिए, रात की वजह से आ रहे हम। तो क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन, कमेंट्स शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।